और ये मैं आपको बता दूं, देयर इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरी सेगमेंट एंड देयर इज अ सेगमेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट। ये मार्केट का सेगमेंट है, ये देखिए, ये जिसको आपने टारगेट करना है। और ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के दी है, ये गोल्डन वर्ड से लिखने वाली स्टेटमेंट है कि देर इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरी सेगमेंट एंड देर इज अ सेगमेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आप एग्जांपल के साथ, लिपस्टिक की एग्जांपल तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया ना जिसके ऊपर काम कितना ज़्यादा किया जाता है। जब ये समझ आ जाती है तो आगे एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग जो है वो ब्रेड मार्केट से जाके खरीदते हैं, और ब्रेड कैसे खरीदते होते हैं, हम लोग खरीदते हैं, एक होती है जिसे हम कहते हैं प्लेन ब्रेड, ये यंग लोग यूज़ करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि यंग लोग होते हैं, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं और हम लोग प्लेन ब्रेड खरीदते हैं। लेकिन बच्चों, प्लेन ब्रेड के साथ मार्केट में एक ब्रेड मिलती है जिसे हम कहते हैं मिल्की ब्रेड। ये किन लोगों के लिए होती है? ये मिल्की ब्रेड होती है छोटे बच्चों के लिए जिनको ताकत की और प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, तो ये छोटे किड्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए जो है ये इस तरह की मिल्की ब्रेड्स होती हैं। और अब कुछ लोग जो हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो वो बूढ़े लोग जो होते हैं उनको ब्रेड जब वो खा रहे होते हैं तो उनको साथ में कुछ ना कुछ खास किस्म की न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत होती है, उनको कुछ ना कुछ फाइबर और फौलाद की और आयरन की भी ज़रूरत होती है, तो उनके लिए ब्राउन ब्रेड बनती है, ठीक है। और ये किन के लिए होती है? ओल्ड एज लोगों के लिए। इसका मतलब है कि इस सेगमेंट के लिए भी ब्रेड मौजूद है, इस सेगमेंट के लिए भी ब्रेड मौजूद है, इस सेगमेंट के लिए भी ब्रेड मौजूद है। इसको हम लोग कहते होते हैं देर इस, ये कहते हैं सेगमेंट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो देर इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरी सेगमेंट एंड देर इज अ सेगमेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट। ये बात इसमें सच्ची आती है, ठीक है। आई थिंक ये यहां तक आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। जब हमें सेगमेंट भी क्लियर आ गया, टारगेट समझ आ गया कि जो सेगमेंट हमने चूज़ कर लिया, जैसे 2 करोड़ खवातीन जिन्होंने हमारी लिपस्टिक खरीदनी है, उनको फिर हम लोग टारगेट करके अपनी मार्केटिंग जो है वो कर रहे होंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन किसे कहते हैं? प्रोपोजिशन का मतलब नॉर्मल अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज में हम कहते होते हैं टॉपिक, ठीक है। हम लोगों ने एक स्पीच करनी है, स्पीच का टॉपिक क्या है, स्पीच का प्रोपोजिशन क्या है, ठीक है। बताना मैं ये चाहता हूँ कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ कोई एक स्टेटमेंट ऐसी होती है जो उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरी आती है, और हम समझते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए बनाया है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं हम लोग डॉलन्स के बारे में कि डॉलन्स जो है वो रिलायबल है, ठीक है। रिलायबल का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर चांसेस ऑफ एरर 99.99% ना हो, ऐसी प्रोडक्ट जो इतनी ज़्यादा रिलायबल है कि आप आंखें बंद करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, देर आर 0.0001% चांसेस ऑफ एरर्स, जिसमें प्रॉब्लम में चांसेस ऑफ एरर्स नहीं होते, जब आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं। तो डॉलर्स वाले प्रोपोजिशन क्या दे रहे हैं, हम लोग जो हैं वो रिलायबल हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से जैज वाले हम लोगों को क्या प्रोपोजिशन देते हैं, आप जैज क्यों खरीदें, क्योंकि जैज अपना है, ठीक है। जैज अपना है। बहुत से लोग जो हैं, जब हम कहते थे कि गाड़ी कार खरीदनी है, और हम लोग कार खरीदने के लिए जाया करते थे मार्केट में, और हम लोगों ने एक कार खरीदनी होती थी। अब लोग कार खरीदनी थी, अब जो कारें हैं, अच्छा जी, हम लोगों ने कोई ना कोई कार खरीदनी है। अब जब हम लोग मेहरान खरीदने जाते थे तो मेहरान हम किस लिए खरीदने जाते थे? नंबर वन कि मेहरान सस्ती है, और नंबर टू मेहरान का जो फ्यूल है वो इकोनॉमिकल है, ठीक है जी। बात समझ आ गई, एक तो मेहरान सस्ती है और नंबर टू मेहरान का जो फ्यूल है वो इकोनॉमिकल है। यहां तक तो मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जरा एक और चीज है कि जब हम लोग टोयोटा की प्राडो खरीदते हैं
तो जब प्राडो खरीद रहे होते हैं तो प्राडो की प्रोपोजिशन क्या है, प्राडो वाले जब प्राडो बेचते हैं तो क्या वो ये कह के बेचते हैं कि हम लोग सस्ते हैं? कभी उन्होंने ये कहा कि जनाबे वाला हमारा फ्यूल बड़ा इकोनॉमिकल है? नहीं, उनकी प्रोपोजिशन होती है, प्राडो की प्रोपोजिशन होती है टोयोटा के प्राडो की, कि हम लोग लग्जरी सफर दे रहे हैं, हम लोग जो है वो सेफ सफर दे रहे हैं। अगर आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपको नींद आ जाती है, तो गाड़ी खुद ड्राइव करने लग पड़ेगी। ये जो लेटेस्ट जो V8 और LX आ रही हैं, उनके अंदर ये भी एक एप्लीकेशन मौजूद है कि अगर आपको नींद आ जाती है तो आपकी गाड़ी खुद रुक जाती है। ठीक है जी, अब सब कंफर्टेबल है लेकिन उसका फ्यूल इकोनॉमिकल, फ्यूल जो है वो इकोनॉमिकल नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? तो जब हम प्रोपोजिशन की बात करते हैं किसी भी वैल्यू प्रोपोजिशन के प्रोडक्ट के अंदर, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इस प्रोडक्ट के अंदर मार्केट में ऑफर क्या कर रहे हैं। जब हम लोगों ने मार्केट में जो चीज़ ऑफर करेंगे उसकी एक प्रोपोजिशन देंगे, हम लोग को खरीदें क्योंकि हम सबसे रिलायबल हैं, हम लोगों को खरीदें क्योंकि हम सस्ते हैं, हम लोगों को खरीदें क्योंकि हमारी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, हम लोगों को खरीदें क्योंकि हम लोग आपकी मार्केट में हर जगह पर चीज़ को पहुँचा सकते, दूर दूर तक भी सिग्नल आ सकते हैं। आजकल एक नेटवर्क है जो ये कह रहा होता है कि आप हमारा नेटवर्क पे आएं क्योंकि हमारा नेटवर्क कश्मीर में भी है और पहाड़ों पे भी है और फलां जगह पे भी है और फलां जगह पे भी है। ठीक है जी, ये हमारे प्रोपोजिशंस होते हैं। प्रोपोजिशन का मतलब होता है वो एक स्टेटमेंट जो हम अपनी प्रोडक्ट के साथ अटैच कर लेते हैं, या वो एक एट्रीब्यूट जो हम अपनी प्रोडक्ट के साथ अटैच कर लेते हैं और लोग इसलिए हमारे पास आए कि हमारे पास वो एक प्रोपोजिशन है जो हम लोग दे रहे हैं और हमारे कंपेटिटर्स नहीं दे रहे। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जो गाड़ियों के दो गाड़ियाँ हैं, अभी की एग्जांपल ये लगा लो कि ये हमारी प्राडो है, ठीक है, लैंड क्रूजर है, और ये मेहरान, एग्जांपल में दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये बड़ी वाली गाड़ी छोटी जो है वो छोटी वाली गाड़ी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और ये जो है वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं खरीद रहे। अब यहाँ पे देखो, नो वन टेक्स मी आउट एनी मोर, मुझे कोई बंदा खरीद ही नहीं रहा, ये बड़ी गाड़ी कह रही है। अब छोटी गाड़ी इसको क्या जवाब देती है कि यू ड्रिंक टू मच, तुम बहुत ज़्यादा पीती हो, क्या मतलब, तुम्हारा फ्यूल इकोनॉमिकल नहीं है। ये जो है ये 26 किलोमीटर चलती है एक किलोमीटर पे, ये जो नई गाड़ियाँ आई हुई हैं, कभी कभी जो है वो अगर इनका जो ऑटोमेटिक वर्जन वेरियंट है वो 22 किलोमीटर चलता है एक लीटर पे, कहाँ पे 26 किलोमीटर, कहाँ पे 22 किलोमीटर और कहाँ पे 5 और 6 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो लोग जो मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं वो इस गाड़ी को तो प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। इसका मतलब, लेकिन इसको कौन खरीदेगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो 5 और 6 किलोमीटर पर लीटर जो है वो अफोर्ड कर सकता है। अब मेरी बात समझ आ गई दोनों में, वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि आखिर हमारी प्रोडक्ट आप क्यों खरीदें। जब हम लोग मार्केट में जाते हैं और हम उनको कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स दिखाओ, तो हमें बाज़ औक़ात कुछ लोग तीन किस्म की चीज़ें दिखाते हैं, कहते हैं जी ये ए क्लास है, ये बी है और ये सी है। सी कैटेगरी जो है सबसे सस्ती है, ये थोड़ी सी महंगी है और ये सबसे महंगी है। जो सबसे महंगी है उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, जो ये है ये इसकी एवरेज है और इसकी क्वालिटी सबसे बुरी है क्योंकि ये सबसे सस्ती है। अब मेरी बात समझ आ गई, इसका मतलब है कि ये इनकी प्रोपोजिशन क्या है, हम सस्ते हैं, इनकी प्रोपोजिशन क्या है, हमारी क्वालिटी अच्छी है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली कि हम लोग कौन सा वैल्यू प्रोपोजिशन अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर को लग्जरी दें, हम चाहते हैं हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दें, हम चाहते हैं कि हम अपने कस्टमर को सेफ ट्रेवल दें, हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर जो है वो बैठे और थके ना, और यहाँ पे देखो हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर जो है वो सस्ती कार खरीदें, हम चाहते हैं हमारे कस्टमर जो है वो कम पेट्रोल में ज़्यादा किलोमीटर तक सफ़र करें, हम चाहते हैं कि हमारे जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको एक कंफर्टेबल और सस्ता जो है वो सफ़र मुहैया हो सके। यहाँ तक मेरे ख्याल में सब लोगों को क्लियर है। यहाँ तक फिर करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन किसे कहते हैं ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, और ये जो है बेसिक टॉपिक हमारा, ये हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, इस क्लास में नहीं, ये अगली वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो तब तक जब तक हम लोग अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। हमने एक मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ा, मार्केट सेगमेंटेशन के साथ मार्केट टारगेट पढ़ा, टारगेट मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसमें हम लोगों ने सही तरीके का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या देना होता है। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है, प्रोपोजिशन का मैंने आपको बता दिया आसान अल्फाज में, कि एक किस्म का टॉपिक होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हम अफिलिएट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ कि ये एक खास प्रोडक्ट
ये खास किस्म की क्वालिटी हम अपनी प्रोडक्ट में दे रहे हैं, इसलिए आप हमारी प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है जी, ये हमारे जब वैल्यू प्रोपोजिशन खत्म हो जाती है तो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, और ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं जी।